स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल एग्ज़ाम चल रहे हैं, क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश पेपर का सोल्यूशन पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं आप इस वीडियो में। यूट्यूब पर कुछ व्यक्तियों ने गलत आंसर प्रोवाइड कर दिए हैं फ्रेंड, तो आप चाहें तो उन क्वेश्चनों के आंसर इसमें मिला लीजिए ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकें। कुछ चैनल्स हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, मतलब ग्रामर है वो गलत बता रहे हैं आपको, तो आप इस चैनल पर आकर अपनी ग्रामर को कंप्लीट सुधार लीजिए। आप चाहें तो इसका प्रूफ सीरीज वगैरह में भी देख सकते हैं कि किस चैनल पर आपको सही आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगले वीडियो में आपको इससे संबंधित और भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। यदि आपको कोई अलग पेपर का सल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम पर पेपर भेज दीजिए, जिससे कि मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा सकूं जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए। तो आइए वीडियो को बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का विषय क्या है? विषय इंग्लिश है, ट्वेल्थ क्लास का है, जो ओपन आज अपलोड हुए हैं पेपर, आज 21 तारीख से अपलोड हुए हैं पेपर फ्रेंड, उसी का सोल्यूशन। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है जिनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको इसमें से यानी 10 मतलब 10 करने हैं। तो सिर्फ स्टार्टिंग में यही है, पेज ख़राब है। अब आगे से देखेंगे आप कितना साफ़ है पेज। हमारे पहले क्वेश्चन के आंसर 8 करने हैं, मतलब 10 करने हैं, तो आपके 10ों के आंसर ये रहे। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और आप इनका थोड़ा टैली कर देना फ्रेंड, क्योंकि एक बुक में से हैं, तो थोड़े करके आप लिखना स्टार्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का वो पहला ए था, अब ये बी है, तो बी के आपके ये करेक्ट आंसर हैं। ये आपका फर्स्ट का सी आंसर है, 8 करने हैं इसमें से, कोई 8 के आंसर देने हैं। तो आपको यहाँ से देखिए फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इनमें से कोई 8 ही करने हैं आपको। इसमें आपको पूरे करेक्ट हैं, आपको 8 के 8 नंबर ही मिलेंगे। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 ही देगा ये चेक करने वाला, बल्कि कुछ चैनलों पर लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, आप मिला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, आप नोट कर लीजिए। ये उसी का और शेष भाग है, सेकंड क्वेश्चन का शेष भाग यहीं पर कंप्लीट हो रहा है सेकंड क्वेश्चन। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट है यहीं पर, और ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड। और ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। और ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है। और ये आपका सेवन क्वेश्चन, सिक्स्थ का ये शेष भाग है, और ये सेवन क्वेश्चन का आंसर है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर आपके 12, और ये क्वेश्चन नंबर 13। ये 13 का अथवा दिया गया यहाँ पर, अथवा का आंसर है फ्रेंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब आता है हमारा 14वां क्वेश्चन, जो ग्रामर के ऊपर बेस है। तो ठीक है फ्रेंड, इसमें से कोई हमें 2 करने हैं, यानी 2, 3 के आंसर दिए गए हैं तो 2 करने हैं इसमें से। तो आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं इसमें से, जो भी आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। इन दोनों तीनों में से कोई 2 लिखना है आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, तो 15 क्वेश्चन नंबर 15, 15 में आपको केवल 3 करने हैं, यानी 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन, यानी 3 करने हैं, तो 3 लिख सकते हैं इनमें से कोई भी। और जिसने पहले से कॉपी लिख ली है वो टैली कर ले फ्रेंड। और ये अगला है क्वेश्चन, इसमें भी हमें 3 ही लिखने हैं, इसमें से कोई भी 3 लिख लीजिए आप। ये अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी कोई 3 लिखना है कोई, तो 3 लिख लीजिए इनमें से। ये हमारा वंडर ऑफ साइंस का निबंध, मतलब उसका निबंध है, क्रिकेट मैच का है, मैच के ऊपर पूछा था, तो उसके ऊपर हेडिंग्स हैं आपकी, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ये आपका सेकंड पार्ट है इसी का, यहाँ से स्टार्ट होंगी आपकी हेडिंग्स। फर्स्ट हेडिंग है आपकी इंट्रोडक्शन, उसके बाद काइंड्स ऑफ गेम्स, माय फेवरेट गेम्स, तो ये आपको हेडिंग से लिखनी है इतनी। यहाँ पर लिखने के बाद ये लास्ट हेडिंग है इसकी आपकी कंक्लूज़न, और इसके बाद आपका ये एप्लीकेशन रहा, ये एप्लीकेशन है SLC स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के ऊपर,
इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला हमारा क्वेश्चन है 25वां। तो 25 में आपको ग्रामर करनी है, उसमें ऐसे गलत छांटना है, एरर्स छांटने हैं। तो एरर्स हैं उनमें, उन्हें पे करेक्ट करना है। जहाँ पहले वाले वाक्य में आर लगा है उसके स्थान पर आपको इज लिख देना है और पूरा वही का वही वाक्य उतार देना है। दूसरे वाले वाक्य में आपको क्या करना है, पोएम लगा है तो पोएम एस लगा है उसे हटा दीजिए और पोएम लिख लेना है। जहाँ पर ऑन लगा है तीसरे वाले में उसके स्थान पर डू लगा देना है। चौथे वाले क्वेश्चन में जहाँ पर डज लगा है वहाँ पर डू लगाना है आपको। जहाँ पर हेल्प्स लगा है छठे वाले क्वेश्चन में उसके स्थान पर आपको क्या लगाना है, हेल्प। इसमें केवल आपको कोई चार ही क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर अगला क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। जैसे पेपर का सलूशन चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।